नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक्निकल टेक। दोस्तों आज हम लोग फिटिंग करने जा रहे हैं 1000 मीटर का टंकी जो सीपीवीसी पाइप फिटिंग है और यहां पे हिमगिरी का टंकी है एक्सपोर्ट क्वालिटी 4 लेयर। और दोस्तों एक बात है जो आप लोग मेरा पिछले 3-4 वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें भी आप देख उसमें भी टंकी हिमगिरी का ही है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अथि है कि हम प्रेशर या कुछ हम बता रहे हैं कि हिमगिरी का टंकी ही लीजिए। ये कस्टमर के ऊपर है और टंकी वाकई में ही टंकी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कहेंगे कि ख़राब है, हम नहीं मंगवा रहे हैं, तो टंकी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे पहले से काम किया हुआ था, वो किसी दूसरा प्लम्बर ने काम किया था। आप देख सकते हैं ये आउटपुट बनाया है और वहाँ आप देख सकते हैं जो राउंड हुआ है, बैंड किया हुआ है, वो मेन पाइप है। आप यहाँ से देख सकते हैं राइट साइड में है ऐसे मेन है और लेफ्ट साइड का है ऐसे रिटर्निंग है। यहाँ से इस तरह से आया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए ये किचन में चला गया है। यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.25 कर दिया है। देखिए यहाँ पे 1x3x4 के रिड्यूसर लगाकर 1.25 कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ से किचन में डायरेक्ट चला गया है दोनों रिटर्निंग और मेन दोनों। यहाँ पे दोस्तों 1 इंची ही जाना चाहिए था, ये गलत है, प्रेशर अच्छा नहीं है। और देख सकते हैं आप यहाँ से 1x1 के टी लगा के बूस लगाया हुआ है 3x4 के, उसके बाद यहाँ से नीचे चला गया किचन में और यहाँ पे इंड कप डाला हुआ है। ये मेन का है, मेन जो मोटर से आ रहा है उसका है कनेक्शन, तो इसको मैं शायद वो छोड़ा होगा कि टंकी यहीं पे इंस्टॉल होगा, तो हमने तो यहाँ पे टंकी नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे टंकी फिटिंग करने जा रहे हैं। इसको हम लोग सॉल्वेंट लगा के इंड कप को फिक्स कर देंगे, बंद कर देंगे। और एक पॉइंट इसमें से लेकर जाना है बाहर की ओर, इस तरह से जाएगा, यहाँ से कनेक्शन लेंगे रिटर्निंग से। तो हम लोग हॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हॉल करने का 2 तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो तो यही है, जैसे आउटपुट हमको 1 इंची से निकालना हो या 1.25 इंची से निकालना हो। यदि 1 इंची से निकालना होगा तो GI का नेपुल रहेगा, 1 इंची का नेपुल रहेगा। इसको गर्म करके एकदम सबसे आसान तरीका यही है, गर्म हीट कर दिए, कहीं पर भी टंकी है वहाँ पे आग लहरा के हीट कर दिए और आसानी से छेद हो जाता है। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे लाइन है और मेरे पास 40 mm का बीट है और यहाँ पे हम 1.25 इंची से निकालने जा रहे हैं, तो मेरे पास 1.25 इंची का GI नेपुल नहीं है, तो हम लोग बीट के माध्यम से इसी से हॉल करेंगे और इसको हेमर को हम लोग ड्रिल पे रखेंगे, वाइब्रेटर पर नहीं रखेंगे, इसको ड्रिल पर कर देंगे, जो सिंपल ड्रिल चलता है, देख सकते हैं आप। और आईबॉल कंपनी का हेमर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। हम लोग हॉल करने जा रहे हैं। बीट जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत यूज हो गया है, इसके वजह से थोड़ा सा लेट लगेगा हॉल में, नहीं तो नया लगेगा, नया बीट रहता तो तुरंत हॉल हो जाता। देखिए यहाँ पे हॉल तीनों मेरा हो गया, ये इनलेट हुआ, ये ओवरफ्लो का हुआ हॉल यहाँ पे, और एक हॉल है ये आउटपुट जो टंकी से आउटपुट जाएगा पानी। आप देख सकते हैं ये बबरी है, तो इसको हमको आरी ब्लेड से अच्छा तरह से इसको स्क्रेच करके साफ कर देना है, नहीं तो लीकेज के चांस रहेगा। इसको प्रॉपर एकदम हटा दीजिए बबरी को, तो लीकेज कभी नहीं आएगा, देख सकते हैं आप बिल्कुल ओके हो गया है। इसको मैं अंदर भी जाकर हम लोग इसको अच्छा तरह से स्क्रेच को फ्रेश करेंगे। अंदर हम आ गए और इसको मैं छेदा को ब्लेड से, आरी ब्लेड से साफ कर देंगे बबरी को बिल्कुल अच्छा तरह से, बिल्कुल साफ हो गया है। आपको दिखाते हैं भीरू करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बबरी उबरी नहीं है। अब नेपुल डलाएगा और इधर से टाइट हो जाएगा,
एक वाशर उधर से रहेगा और एक वाशर इधर से रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे बॉल बल्ब लगाएंगे और इतना के डिस्टेंस छोड़ देंगे ताकि खराब हो तो कटिंग करके एक बार चेंज कर सकते हैं। कोई भी फिटिंग हो एक बार चेंज करने भर डिस्टेंस देना चाहिए। इसको लगाकर हैंडल को बंद चालू कर देंगे ताकि सॉल्वेंट से चिपक न जाए, और यूनियन को खोल को रबर को चेक जरूर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाशर है, यदि नहीं रहेगा तो यहाँ पे लीकेज हो जाएगा। इसको चेक करके ही लगाएं। अब जो नेक्स्ट में देंगे वो एयर के लिए हो गया। टंकी को साफ सफाई करना होगा तो यहाँ से खुल जाएगा इस यूनियन से और टंकी अलग हो जाएगा। यहाँ से आप खोल सकते हैं टंकी को। उसके बाद ये एयर का हो गया, ये जो पॉइंट है ये एयर के लिए है। तो यहाँ से टंकी लेवल से, टंकी लेवल इतना है, टंकी लेवल से कम 1.5 फीट हाइट रखेंगे, मैक्सिमम 2 फीट हाइट रखेंगे, कम से कम 1.5 फीट हाइट रखेंगे इसको। नहीं तो कभी ऐसा होता है जब पानी एक बैग खोले तो प्रेशर से ऊपर में है, एयर से बिकने लगता है। तो इसके वजह से आप कम 1.5 फीट हाइट रखें टंकी के हाइट से। और ये मेरा फिटिंग जो पाइप है ये 1.25 इंची का है और पहले से किया हुआ है वो 1 इंची का है। तो दोस्तों कभी भी CPVC पाइप फिटिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि क्लाइंट को डिसाइड करें कि 1.25 इंची से काम करवाएं। देख सकते हैं आप टंकी प्रॉपर पूरा फिटिंग हो गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले सबसे फर्स्ट में बल्ब दिया हुआ है, उसके बाद यूनियन दिया हुआ है, उसके बाद एयर के लिए दिया हुआ है, और एक यहाँ पे 1.25 का टी लगा कर यहाँ पे नल दिया हुआ है छत के लिए। आप देख सकते हैं नल का हाइट 1.5 फीट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा लाइनिंग जो है पाइप का लाइनिंग, आप देख सकते हैं सभी पाइप का फ्रंट पे है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये कभी भी दोस्तों लाइनिंग जो है फ्रंट पर ही रखें ताकि आपको देखने में अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। और दोस्तों जब टंकी को खोलना होगा साफ सफाई के लिए तो यहाँ पे एक यूनियन दिया हुआ है, यहाँ से खोल दीजिए, और उसके बाद एक यूनियन यहाँ पे मेन पाइप में दिया हुआ है, ये दोनों यूनियन को खोल दीजिएगा, टंकी आसानी से खुल जाएगा, अलग हो जाएगा, साफ सफाई कर सकते हैं। और ये ओवरफ्लो का हो गया। यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है, पाइप का टुकड़ा लास्ट में जब बचेगा तो उसको में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये मेन है और ये रिटर्निंग है जो यहाँ पे अटैच हमने 1.25 के बुश लगाकर यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। और अब जब हमने चेक किया आप देख सकते हैं पानी भिंजल है, पानी चालू करके चेक किए थे तो ये मोटर का मेन पॉइंट आ रहा था। हमको शंका लगा जब देखें कनेक्शन के हिसाब से तो लगा कि ये हो सकता है कि ये रिटर्निंग होगा, लेकिन जब कनेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं तो ये तो मेन आ रहा है। उसके बाद हमने मोटर को चालू करके देखा तो यहाँ पे मेन पानी आ रहा था। उसके बाद हमको काफ़ी दिक्कत हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पौन का टी लगा कर इसको कनेक्ट किए और सीधे इसके नीचे नीचे चला गया, ये आगे चला गया इस तरह से, आप देख सकते हैं। और ये मेरा लाइनिंग देख सकते हैं प्रॉपर एकदम फेस में है, आप देख सकते हैं
कभी भी दोस्तों इस लाइनिंग को फेस में ही रखें ताकि देखने में सुंदर दिखे। हम देख सकते हैं इस रूट से आया और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक मेरा लाइनिंग है, उसके बाद इस पाइप में कोई लाइनिंग वुलिंग नहीं है, कहीं पर ऊपर कहीं पर नीचे इसे करके लाइनिंग है और यहाँ से सीधे नीचे चला गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये मोटर हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पाइप है ये मेन है और ये रिटर्निंग है। यहाँ पे ये जो इंड कप लगाया हुआ है ये रिटर्निंग है और यहाँ ये मेन पाइप है, तो इस रूट से आएगा और मेरा मोटर का पंप इधर में है, निकला हुआ है मुंह, तो इसको हम लोग खोल के इसको घुमाएंगे और इधर से सीधा जाना चाहिए ऐसे, उसके बाद ऐसे जाकर वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इसको पहले खोल कर घुमाएंगे मुंह को, मोटर से एक एक का MTA लगाया हुआ है CPVC का, उसके बाद यहाँ पे यूनियन लगाया हुआ है, जैसे कभी भी आपको मोटर को खोलना होगा तो यहाँ से यूनियन खोल के मोटर निकल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आया और यहाँ पे बंद करके और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से आप पानी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी ऊपर जा रहा है पानी, टंकी टैंक में भर रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर गया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये काम पहले के किया हुआ था, केवल हम लोग टंकी कनेक्शन किए हैं और फिटिंग का काम हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मोटर का काम हुआ है और बेसिन उसिन सारा चीज़ लगना बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक रूट 1x1 के टी लगा कर यहाँ से गया हुआ है। ये बाथरूम है, इसके अंदर दिखाते हैं। ये बाथरूम लेटिंग है, यहाँ पे सीट बैठना अभी बाकी है। इसका हाइट 1.5 फीट फर्श लेवल ले लिए हैं, उसके बाद 14 इंची पर नल का पॉइंट दिया हुआ है और 1 पॉइंट बाहर दिया हुआ है हाथ धोने के लिए फ्रेश होने के।